इशू ऑफ शेयर के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें से भी कई बार चार नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बोला जाता है आपको बैलेंस शीट बनाने को। बैलेंस शीट आपका ये जो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ, ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें पुट कर दिया है। हमारे सिलेबस में जब हम बैलेंस शीट वाला पूरा चैप्टर करेंगे, वो थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। जब थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा बैलेंस शीट सीखना होगा। और हमारे एग्जाम के अंदर, फाइनल टर्म के अंदर कई बार पूछा जाता है, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम दे देगा और बोला जाएगा कौन सा आइटम कहाँ जाएगा ये बताओ। तो आज सिर्फ हम बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट, एक टुकड़ा सीख रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ चैप्टर नंबर 8 जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है उससे रिलेटेड, और कोई एक्स्ट्रा इसका काम नहीं आने वाला। सबसे पहले बैलेंस शीट बनता कैसे, ये क्या है। हमारा ये वाला जो बैलेंस शीट जो बनाया जाता है, एज पर लॉ के हिसाब से बनाया जाता है। लॉ, अब चैप्टर जो हमारा चल रहा था कंपनी अकाउंट चल रहा था, तो कंपनी अकाउंट के हिसाब से लॉ भी फॉलो होगा यहाँ पे, कंपनी एक्ट 2013। अगर लॉ की मैं बात करूँ तो लॉ कौन सा है हमारा, 2013। वहां पे शेड्यूल 6 गिवन है। पहले अलग अलग रूल था, पहले शेड्यूल 6 आया, फिर अब जाके शेड्यूल 3 आ गया है इसका। तो शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है ये फॉर्मेट, पहले शेड्यूल 3 के अंदर आ गया है ये। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर फॉर्मेट क्या है, ऐसा क्यों बनाया गया। नॉर्मली हमारा पहले वाला जो बैलेंस शीट था कुछ इस तरीके से बनाते थे हम। पहले वाले बैलेंस शीट की बात करूं तो इस साइड लाइबिलिटी लिखा करते थे और इस साइड में एसेट लिखा करते थे। और पहले क्या था, जो हमें नजर आया अगर कैश पता चला तो कैश लिख दिया हमने, बिल्डिंग पता चला तो बिल्डिंग लिख दिया, इसके बाद हमें अगर स्टॉक पता चला तो स्टॉक लिख दिया, यहां पे हम कैपिटल लिखते थे, क्रेडिटर पता चला तो क्रेडिटर लिख दिया, लोन पता चला तो लोन लिख दिया। तो इस बैलेंस शीट को लाने का सबसे मेन पर्पस क्या था, पहले जो हम लिखते थे बैलेंस शीट में, सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक था आपका, इस बैलेंस शीट में हम किसी भी एसेट्स को या लाइबिलिटी को अरेंज करके नहीं लिखते थे। अरेंज करने का मतलब है हमारे बैलेंस शीट का जो एसेट्स और लाइबिलिटी है वो डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज, जैसे कि करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, इस कैटेगरी में नहीं लिखा करते थे। तो इसमें क्या होता था, शेयर होल्डर हर बार कंफ्यूज हो जाता था, कुछ चीजें डिटेल नहीं होता था, सारा हम इकट्ठा अमाउंट लिख देते थे। मान लो मैंने यहां पे बिल्डिंग लिख दिया 100 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए का मैंने बिल्डिंग लिख दिया। अब एक बिल्डिंग है ये या 2 बिल्डिंग है या 3 बिल्डिंग है, ये डिटेल पता नहीं चल पाता था। फिर इसी समस्या को देखते हुए लॉ के अंदर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट ये किया गया
कि बिल्डिंग 100 लाख है, इस बिल्डिंग के लिए आप डिटेल लिखो कहीं ना कहीं जाके। तो अगर मैं इस बिल्डिंग के आगे 1 नंबर लिख दूं और इस 100 लाख की अगर मैं जानकारी चाहता हूं तो एक 1 नंबर नोट दे देता हूं, नोट नंबर 1। 1 नंबर पे लिख दूंगा, जैसे सपोज बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, ये मेरा 40 लाख का है और ये मेरा 60 लाख का है। इस तरीके से आपको बिल्डिंग की पूरे अच्छे से जानकारी मिल गई कि ये दो बिल्डिंग को जोड़कर 100 लाख है। सेम ऐसे कैपिटल, जब मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल 50 लाख रुपए है, तो इन्वेस्टर जब 50 लाख देखता था उसे कुछ समझ नहीं आता था, वो कंफ्यूज ही रहता था। रीजन, अब इसमें इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है या फोर फीचर वाला अमाउंट है या कॉल सिनेरियो है, कुछ नहीं पता चल पा रहा। लॉ ने कहा कि इसकी डिटेल बताओ इन्वेस्टर को, तो इसके लिए सपोज करो नोट नंबर 1 इसके लिए बना दिया मैंने, या नोट नंबर जो भी है नंबरिंग डाल दिया मैंने। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल है। तो सबसे पहले तो हमें इस बैलेंस शीट को, जो न्यू बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के हिसाब से, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना होगा कि ये बैलेंस शीट के अंदर नोट आया है, एक न्यू कॉन्सेप्ट। नोट आने का कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोगों का काम तो बढ़ गया लेकिन इन्वेस्टर का काम आसान हो गया, उसको एक ही जगह से सारी कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाता है। जैसे शेयर्स में क्या क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, वो सारी डिटेल हमें दिखाना पड़ेगा उस नोट में। सेम ऐसे अगर मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में किस किस को उधार दिया ये तो पता होना चाहिए। कौन सा क्रेडिटर है जिसको 6 महीने के लिए उधार दिया है, कौन सा क्रेडिटर है जिसको मैंने 5 महीने के लिए उधार दिया है, उसके लिए देखना चाहते हो तो इन्होंने एक नोट बनाया होगा, उस नोट पे जाओ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो बैलेंस शीट बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ सारा शेयर कैपिटल का डिटेल डालता हूँ, जैसे कि देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में सिर्फ मैंने एक ही नोट के बारे में चर्चा किया है, और नोट क्या है, ये शेयर कैपिटल। अगर मैं यही नोट इस बैलेंस शीट के अंदर लिख दूं तो बैलेंस शीट तो बहुत बड़ा बन जाएगा, एक नोट ही इतना ले जाएगा पूरे बैलेंस शीट के बराबर। इसलिए उसने बोला बैलेंस शीट को बिल्कुल साफ सुथरा कंक्लूसिव रखो, क्योंकि हर इन्वेस्टर को क्या देखना है वो उसके इच्छा पे डिपेंड करता है। हर इन्वेस्टर बैलेंस शीट के सारे आइटम को नहीं देखता, जिस चीज की उसको जानकारी है या जिस चीज में वो इंटरेस्टेड है सिर्फ वही चीज देखे। तो उसने कुछ बैलेंस शीट को क्या करा, ये जो आपका लाइबिलिटी है इस एसेट्स को यहां से हटा के उन्होंने क्या करा, सामने रख दिया और यहां पे एसेट्स को कर दिया। बस एक तो चेंजेस ये करा, दूसरा चेंजेस क्या करा उन्होंने, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी है इसको अरेंज करके लिख दिया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और ये अरेंज कभी भी कोई अगर आगे पीछे लिखता है तो वो गलत माना जाएगा, इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा चेंज इसने क्या करा कि इन सबके डिटेल जानने के लिए एक नोट प्रिपेयर करवा दिया। तो अब जो हम बैलेंस शीट सीखने वाले हैं वो न्यू बैलेंस शीट सीखने वाले हैं कंपनी का। जो पहले बैलेंस शीट होता था पार्टनरशिप फर्म का, वो हमारे रियल लाइफ में अब बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर यूज कौन सा होता है हमारा, ये वाला बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम है, बहुत सारी चीजें, जब थर्ड बुक करेंगे तो पूरा डिटेल। अभी मैं सिर्फ इशू ऑफ शेयर जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, सिर्फ उसी से रिलेटेड मैं इसमें डिस्कशन करूंगा, पूरा बैलेंस शीट अभी डिस्कशन नहीं करने वाला मैं। अब इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद ये रोमन में 1 है और रोमन में 2 है। अगर आपने इसको रोमन वाले को चेंज कुछ कर दिया, गलती से 1 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जो फिक्स है, जो लॉ में लिखा हुआ है, उस लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसके बाद है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो लाइबिलिटी साइड ना दो लोगों का होता है हमेशा। अगर मैं लाइबिलिटी साइड की बात करूं तो लाइबिलिटी साइड आपने 11th क्लास में भी अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, लाइबिलिटी होता है एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो ऑनर का होता है, एक्सटर्नल जो होता है वो आउटसाइडर का होता है। जैसे क्रेडिटर हो गया, जैसे बैंक लोन हो गया, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारे क्या है हमारा, एक्सटर्नल।
इन अब ऑनर फंड को हम ऑनर वाले को जो पैसा लगता है हम उसको इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। अब इक्विटी या ऑनर फंड की मैं बात करूं, ऑनर फंड में बहुत सारी चीजों को मिला दिया गया। ऑनर फंड में बेसिकली दो चीजों को मिला दिया गया, एक शेयर कैपिटल को, एक रिजर्व एंड सरप्लस को। शेयर कैपिटल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमारी, शेयर कैपिटल के अंदर देखा जाए तो हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस में काफी सारे हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व है। तो ये सारा पैसा जो होता है जनरली ये किसका होता है? ऑनर का होता है। तो देखो यहां पे हेडिंग जो लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ऑनर फंड को मैं क्या नाम से? इक्विटी के नाम से भी बोल सकता हूं। तो इक्विटी का मतलब है मालिक वाला पैसा, एंड लाइबिलिटी का मतलब है ये वाला जो कि मैंने बताया नहीं। इसके अंदर क्या आ सकता है? आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ सकता है, क्रेडिटर आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है, डिबेंचर आ सकता है। तो मैंने यहां पे उसका डिटेल डाला ही नहीं है, सिर्फ इक्विटी वाली चीज हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? शेयर कैपिटल। तो शेयर वाली पॉइंट को ही मैंने इस बैलेंस शीट में कंसीडर किया, और एग्जामिनर को ज्यादा आपको बताना भी नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है। अब इक्विटी के अंदर मैंने यहां लिखा, देखो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड पहला पॉइंट है। शेयर होल्डर फंड मतलब मालिक का पैसा। शेयर होल्डर कौन होता है? मालिक। फंड मतलब पैसा। शेयर होल्डर का क्या क्या पैसा होगा? एक तो शेयर कैपिटल होगा, एक रिजर्व एंड। अब जो मैंने पॉइंट नंबर यहां पे वन लिखा है, आपको वन ही लिखना है। यहां पे स्मॉल ए लिखा है तो आपको स्मॉल ए ही लिखना है, ये नहीं कि आप यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी लिख दोगे, स्मॉल ए ही लिखना है। तो दो पैसा आपका यहां पे है। एसेट्स के अंदर देखा जाए तो दो कैटेगरी किया गया है, एक करंट एसेट्स, एक फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स में क्या आएगा, इसका जानने का भी हमें जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं बताऊं तो करंट एसेट्स में अगर पूछो तो मैं बोलूंगा कैश को सिर्फ लिख देना। अभी करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अभी कैश का बैलेंस आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसके लिए, सबसे पहले नोट नंबर वन। नोट नंबर वन का मतलब क्या है? सपोज दैट मैं यहां पे 100 लाख रुपए लिख दूं। चलो इन्वेस्टर को एक इतना सा बैलेंस शीट मिल गया, इन्वेस्टर ने देखा 100 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेकिन क्या क्या है वो हर किसी से पूछेगा, जानकारी लेगा, नहीं मिलेगा तो वो कंप्लेंट करेगा। फिर उसको जानने के लिए मैंने यहां पे जो नंबर वन लिखा है, शेयर होल्डर यानी इन्वेस्टर समझ जाएगा, नंबर वन मतलब इस 100 लाख की सारी जानकारी नंबर वन पे होगा। और नंबर वन क्या है हमारा? नोट। ये मैंने नोट नंबर वन का डिटेल बनाया कि क्या क्या इसके अंदर आता है। सबसे पहले लिखा है मैंने नोट नंबर वन शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे कंपनी अपने आप को क्या करवा लेता है? रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। अब उसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होगा, ऐसा नहीं कि इक्विटी के लिए अलग ऑथराइज होगा, प्रेफरेंस के लिए अलग, दोनों मिला के होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहां डैश लगाया, मान लो 50,000 मेरा इक्विटी शेयर है तो मैं यहां पे लिखूंगा 50,000, और 10 रुपए का एक है तो मैं 10 रुपए, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 लाख। इस 5 लाख को मैं यहां पे शो कर दूंगा। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो कि आपका 1 लाख है, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, या फिर 10 रुपए का एक है तो यहां पे आ जाएगा, अब ये टोटल आ गया 15 लाख। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि जनरल एंट्री करते थे ऑथराइज कैपिटल गिवन जरूर होता था क्वेश्चन में, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता। सेम इसी तरीके से इसका भी कोई यूजेस नहीं है, बस यहां पे टोटल करके स्टॉप कर देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, नहीं गिवन तो ये वाला कॉलम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड आ गया आपका इशूड कैपिटल। अब हमें समझना पड़ेगा कि इशूड कैपिटल क्या होता है। कंपनी ने जितने पब्लिक को ऑफर किया है इशूड, इशूड करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा सारा का सारा शेयर क्या होगा, बिक जाएगा। मे बी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा बिक जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है कि कम बिके।
यहां पे ओवर सब्सक्राइब जब कभी भी होगा इस पे हमारा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अंडर सब्सक्राइब पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। मान लो इशूड कैपिटल मैंने किया यहां पे 10,000, 10,000 ₹10 का एक है तो 1,00,000 यहां आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 16,00,000, नहीं 1,00,000 ही रहेगा। इशूड कैपिटल का भी कोई रोल नहीं है बेसिकली। अब मान लो मेरा अगर 12,000 शेयर बिके तब भी मैं लिखूंगा 10,000, क्योंकि मैंने इशूड कितना किया है 10,000। आपको अच्छे से याद होगा जब ओवर सब्सक्राइब होता था तो शेयर कैपिटल किससे एंट्री करते थे हम, सिर्फ और सिर्फ इशूड कैपिटल से। लेकिन अगर हमारा मान लो 9,000 शेयर बिका तो फिर मैं यहां पे 9,000 लिखूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ओवर सब्सक्राइब का और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में, कोई पैसा रिफंड हो रहा है ये सब कुछ नहीं सोचना सिंपल तरीके से। हाँ जी, ऊपर 10 ही आएगा क्योंकि इशूड मैंने किया, उसमें से कितना बिका उसका डिटेल है। जब शेयर को बेचने जाएंगे, अब देखो जब शेयर को बेचने जाएंगे तो यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो मेरा ऑथराइज कैपिटल मैंने यहां पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेम क्वेश्चन मैं लिख देता हूं 50,000, 10 रुपीज, 1,00,000, 10 रुपीज। इसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं इशूड कर दूंगा, इशूड कितना डिसाइड किया 10,000। इसके बाद एप्लीकेशन जो रिसीव था वो था सपोज करो 12,000, एप्लीकेशन रिसीव था 12,000। अब डिटेल जो गीवन है कुछ इस तरीके से गीवन है, ₹10 का, ₹10 का मैं डिटेल दे देता हूं यहां पे, ₹2, ₹5 और ₹3। हुआ ये कि यहां पे एक व्यक्ति राम था और एक व्यक्ति श्याम था। राम ने अलॉटमेंट के 200 शेयर के पैसे नहीं दिए और श्याम ने 300 शेयर के पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। अब ये लाइन का मतलब है इशूड किया तो है ठीक है, लेकिन फुल्ली पेड अप वाले शेयर ढूंढ के निकाल लो आपके क्वेश्चन में से, वो शेयर होल्डर निकाल लो जो कि फेल हुआ ही नहीं, वो पूरा का पूरा पैसा देता है। टोटल इशूड मैंने कितने किए थे क्वेश्चन में, 10,000। तो बड़ा ही सिंपल है कि देखो मैंने 10,000 टोटल इशूड किया है जिसमें से दो व्यक्ति फेलियर है, यानी 500 शेयर होल्डर फेलियर है, तो इसका मतलब 9,500 शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होंगे जिसने कि मेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं रोका होगा, उसने पूरा का पूरा पेमेंट किया होगा ₹10। तो इसका मीनिंग है इशूड एंड फुल्ली पेड अप, यानी आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर उन शेयर होल्डर को निकालना है जिसने के पूरा का पूरा पेमेंट कर रखा है। निकालने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में ये पता करो कि कितने शेयर होल्डर फेलियर है, उसके शेयर को इशू प्राइस में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखा जाए तो मैं इस वाले कॉलम में क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखने वाला हूं 9,500 इंटू में 10 इंटू में 10, इसका मतलब मेरा यहां पे आ जाएगा टोटल 95,000। अब यहां पे लिखा हुआ इशू तो किया है लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए शेयर होल्डर ने, यानी जो शेयर होल्डर फेलियर है उसको पता करो। तो यहां पे देखा जाए तो दो शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है, 500, यानी अलग अलग डिटेल है। तो 500 में से देखा जाए तो 500 अगर मैं डिटेल लिखूं तो एक बंदा था जिसके पास 200 शेयर था, एक बंदा था जिसके पास, मैंने यहां पे हेडिंग लिखा है इशू बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका मतलब है इशू तो किया लेकिन उसने पूरे पैसे नहीं दिए, मैंने मांगे थे लेकिन उसने नहीं दिए। तो यहां पे देखा जाए तो इसने राम ने कितने दिए, सिर्फ ₹2, और श्याम ने कितने दिए, 5 और 2 ₹7। तो यहां पे टोटल करूं तो मैं यहां पे 400 और 2100, तो इसने टोटल 2500 दे दिए। अब अगर शेयर फोर फीचर हो जाता है तब क्या एंट्री करते हैं, मैं अभी शेयर फोर फीचर का काम नहीं कर रहा, अभी बस इसके पहले एक बार ये समझा दूं उसके बाद फिर मैं शेयर फोर फीचर इसी में लूंगा। इतना काम करने के बाद हमें अब टोटल जो करना है, ये टोटल होगा पूरा आ जाएगा ये 97,500,
500, ये लो बैलेंस शीट हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। और ये 97,500 मैं उठा के यहां पे लिख दूंगा 97,500। तो एग्जामिनर बोलेगा ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने में बस थोड़ा सा आपको ये फॉर्मेट याद हो, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया, ये यूज ही नहीं होगा, सिर्फ यूज होगा फर्स्ट, यही दो यूज होना है, ये भी यूज नहीं होना क्वेश्चन में, मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया ये। बस मेन क्या है आपका ये नोट। कई बार तो एग्जामिनर कहता है बैलेंस शीट भी मत बनाओ, बस इसके नोट बना के दिखा दो आप। तो नोट बनाते टाइम पे सबसे पहला जो हेडिंग है वो है हमारा ऑथराइज कैपिटल, उसका कोई काम नहीं है, जितना क्वेश्चन में दे रखा है पुट करो और लिखो। सेकंड हेडिंग है इशूड कैपिटल, उसका भी कोई काम नहीं है, जितना दे रखा है लिखो। हमारा काम तीसरे हेडिंग से स्टार्ट होता है जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में मेरे पास जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन में से हमें कुछ शेयर को निकालना है जिसने के सारे का सारा पेमेंट दिया है और उसको यहां लिखना है। नॉट फुल्ली पेड अप में हमें उन सारे शेयर को ढूंढ के निकालना है जिसने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट कितने नहीं किए उससे मतलब नहीं है, जिसने पूरे पेमेंट नहीं दिए तो कितने दिए उसका डिटेल यहां पे लिख देंगे। और उसके बाद इन दोनों कॉलम का क्या हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा इजीली इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूं। सपोज दैट मैं अगर मान लूं कि इसके शेयर, जो इसका शेयर था आपका मिस्टर राम का, वो फोर फीचर हो गए, उसके शेयर मैंने फोर फीचर कर लिए। इसका मतलब यहां पे किसके शेयर फोर फीचर नहीं हुए, ये देखो श्याम का, राम का हो चुका है श्याम का। तो जो यहां पे इशूड बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखा है मैंने, इसमें उसी पर्सन का, उसी शेयर होल्डर का डिटेल जाता है जो फेल हो गया है लेकिन फोर फीचर ना हुआ हो। अगर उसका फोर फीचर हो गया है तो उसका डिटेल यहां पे नहीं आने वाला। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहां पे राम का तो फोर फीचर हो ही गया, तो मैं राम वाला शेयर का डिटेल नहीं लिखने वाला। अब देखो मैं कितना लिखने वाला हूं यहां पे, अब मैं लिखूंगा यहां पे ओनली सिर्फ और सिर्फ 300 और इनटू में 7 यानी 2100। जिसका शेयर फोर फीचर हो गया है, जिस पर्सन का शेयर फोर फीचर हुआ है वो यहां आ जाएगा शेयर फोर फीचर में, यानी शेयर फोर फीचर राम का हुआ है वो भी कितने रुपए हुआ है 400, तो ये 400 रुपए आ जाएगा, यानी इसने सिर्फ यही पेमेंट किया था। यानी पहले वाला तो देखो सिंपल है, दूसरे वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, आपको सोचना पड़ेगा कि कब इसके अंदर एंट्री लिखे और कब ना लिखे। अगर वो फेलियर है तो मैं जरूर उसकी डिटेल डालूंगा, लेकिन याद रखने वाली बात है उसका शेयर फोर फीचर ना हुआ है, क्योंकि जिसका शेयर फोर फीचर हो गया मैं अब उसे फेलियर नहीं बोल सकता क्योंकि उसके शेयर मैंने उससे ले लिए हैं। तो जिसका शेयर फोर फीचर हो गया उसका तो किस में चला जाएगा, फोर फीचर वाले में, लेकिन जिसका शेयर फोर फीचर नहीं हुआ वो चले जाएगा हमारा इशूड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सपोज करो मैं इसका भी शेयर फोर फीचर कर लूं, इसका मतलब ये हेडिंग मेरे किसी काम का नहीं रहा। अगर मैं इसका भी फोर फीचर कर लेता हूं तो ये हेडिंग किसी काम का नहीं, फिर भी मैं फॉर्मेट के पर्पस के लिए बना देता हूं इसे। अब मुझे यहां पे फोर फीचर में अमाउंट लिखना है, दो बंदों के अमाउंट आएंगे, अब राम के कितने आएंगे 400 और श्याम के 2100, यानी फिर से हो गया ये 2500। तो अभी तक क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि मेन क्या है हमारा, नोट्स टू अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले वाला पॉइंट शेयर कैपिटल जो है, ऑथराइज कैपिटल किसी काम का नहीं है, बस डिटेल डालना है। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो ठीक, नहीं तो उसे भी हम स्किप कर देंगे। बाकी आप एक काम कर सकते हो, ऑथराइज कैपिटल लिख के यहां पे ब्लैंक लिख दोगे, डैश डैश डाल दोगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए इसको पूरा फॉर्मेट अच्छे से आता है। सेकेंड है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में क्या हम करते हैं, वही शेयर जो कि इशू किया है कंपनी ने सारा आ जाएगा, चाहे हमारा शेयर बिका हो चाहे ना बिका हो। इसके बाद अगले वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगले वाला जो हमारा इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब है, इसके अंदर हमें ध्यान देने वाली बात है।
ध्यान क्या देना है कि जितने टोटल शेयर थे उस शेयर में से उन शेयर को ढूंढ के निकाल लो जिसने कि सारा पेमेंट किया है। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, टोटल इशूड कैपिटल में से फेलियर वालों को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कौन सा बच जाएगा जिसने सारा पेमेंट, उसको लिखने के बाद यहां इशूड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यहां पे वही शेयर होल्डर का रिकॉर्ड मेंशन करूंगा जो कि फेल हुआ है लेकिन उसका शेयर फॉरफीचर नहीं होना चाहिए। अगर उसका शेयर फॉरफीचर हो गया तो उसकी डिटेल यहां ना आके शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके करते हैं इसको। सपोज करो मैं यहां पे इशूड कैपिटल जो है वो कर देता हूं 40,000, एप्लीकेशन रिसीव कर दिया मैंने 50,000। देखो पहले भी एप्लीकेशन रिसीव था 12,000, क्या मैंने 2,000 का कुछ डिस्कशन किया पूरे क्वेश्चन में? नहीं। ओवर सब्सक्राइब हो जाए कोई रोल नहीं है उसका क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हो जाए तब भी इसका कोई काम नहीं है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है बताओ इशूड कैपिटल कहाँ जाता है, तो हमारा आंसर होगा शेयर कैपिटल में जाता है। कॉल सिनेरियर कहाँ जाता है, आंसर होगा शेयर कैपिटल में। कुछ चीजें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं किया मैंने, अब मैं कर देता हूं। ये जो होता है ना इसको बोलते हैं मेजर हेड या फिर मेन हेड, इसको बोलते हैं सब हेड, सॉरी जो पहले वाला है इसको बोलेंगे साइड। हमारे बैलेंस शीट में दो ही साइड है और इसको बोलेंगे मेन हेड, और ये जो छोटे छोटे हैं इनको बोलेंगे सब हेड। तो एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ ऑथराइज कैपिटल कहाँ जाएगा, तो मैं बताऊंगा पहले साइड। साइड क्या होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर मैं बताऊंगा मेन हेड, शेयर होल्डर फंड। फिर मैं बताऊंगा सब हेड यानी शेयर, तब जाके 1 मार्क्स मिलेगा। ये जब थर्ड बुक करेंगे उसमें सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरीके के हैं। यहां पे मैं बता रहा था, अब मेरे क्वेश्चन में 50,000 है, ये मैं पूरा डिटेल सेम रख रहा हूं। मैंने क्या करा, इसको थोड़ा डिटेल को चेंज कर रहा हूं, करने जा रहा हूं मैं यहां पे। डिटेल मैंने चेंज ये किया कि मैं यहां पे 1 रुपए कर देता हूं और यहां पे 3 रुपए, 2 रुपए, चलो मैं प्रीमियम पे कर देता हूं। प्रीमियम बता सकते हो कितने का है? मिस्टर राम, उसने ये पेमेंट किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मिस्टर श्याम, उसने ये पेमेंट किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मिस्टर सोहन, उसने ये पेमेंट किया, ये किया, ये नहीं किया। अब मुझे बोला गया कि आप मुझे बैलेंस शीट बना के दिखाएं, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब मैं सबसे पहले देखो, जब मैं फिल करने जाऊंगा ये वाला तो एज इट इज सेम है, यहां पे मैं 10,000 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 40,000 रुपए, 10, यानी ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद ये भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे ढूंढना है वो वाले शेयर जिसने पूरे पेमेंट किए, तो टोटल शेयर मैंने इशू कितने किए थे, इसमें से जितने फेलियर है उनको हटा दो। मैंने नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया, मान लेते हैं राम के 100 शेयर हैं, श्याम के 200 और इसके 500 या फिर इसके 700 मैंने मान लिया। अब देखा जाए तो मुझे टोटल शेयर इशू कितना किया ये तो पता है, टोटल शेयर 40,000 है, मुझे वो शेयर ढूंढने हैं जो कि सारा पेमेंट दे के जा रहा है। मैं इसमें से सारे फेलियर को माइनस कर दूंगा यानी इनका टोटल कर दूं तो 1,000 यानी 39,000। तो मुझे यहां पे डिटेल पता है कितना लिखना पड़ेगा, 39,000, और 10 रुपए का एक रहेगा, वो प्रीमियम पे मैंने इशू किया फिर भी 10 रुपए का ही रहेगा। यहां पे आ जाएगा 3,90,000। अभी तक मैंने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि फोरफीचर हुआ ही नहीं हुआ, लेट मैंने अब बता देता हूं कि इन दोनों का शेयर फॉरफीचर हो चुका है, लास्ट वाले का नहीं हुआ। दो के शेयर फॉरफीचर हो गए, लास्ट वाले का नहीं हुआ। अब ध्यान से सोचना, क्या ये वाले डिटेल में किसी का इस्तेमाल करेंगे? करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले का, जिसका शेयर फॉरफीचर नहीं हुआ सिर्फ उसी के करेंगे। यानी यहां पे डिटेल मैं लिखने वाला हूं, 700 शेयर कितने दे दिए उसने, 5, 2, 7, 8 रुपए, यानी 5,600। अब मेरा दूसरा कंसर्न ये आता है, मुझे ये बता दें क्या शेयर फॉर फीचर का भी इस्तेमाल होगा यहां पे? बिल्कुल होगा।
जो शेयर होल्डर फेलियर था अगर उसका फोर फीचर हुआ, तो यहाँ पे डिटेल डालो, यानी डिटेल कितना है, 100 वाले ने सिर्फ 200 दिया, 200 वाले ने 7, 1400 रुपये दिया, तो 200 प्लस में, ये तो मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दिया, ये समझ में आ रहा है कैसे किया? अब ये 1402 1600 रुपये ये आ गया, अब इसका टोटल कर देंगे, वो हमारा उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ बैलेंस शीट में, जो इसका टोटल होगा। टोटल में भी देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, सबको टोटल कर देते हैं, पहले दो ऑथराइज कैपिटल का टोटल अलग होता है, इशूड कैपिटल का अलग होता है, उसके बाद वाला टोटल मेरे काम का होता है। यानी यहां तक हमें समझ में आ गया इसका इंपॉर्टेंस। अब एक पॉइंट और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने वाला हूं मैं, चलो मैं इसको फिर से शेयर फोर फीचर वाले को मिटा देता हूं, और एक पॉइंट क्या इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट मैं ये इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं इसके अंदर कि राम के शेयर रीइशू हो गए, राम के शेयर क्या हो गए, रीइशू। यानी फोर फीचर तो मैंने दो के किए थे, राम के भी किए थे और श्याम के भी किए थे, लेकिन रीइशू सिर्फ राम के किए थे। सबसे पहले यहां पे तो डिटेल यही आने वाला है, 5600 जो फेल हुआ और फोर फीचर हो नहीं हुआ उसका डिटेल तो ये लिख दिया। अब दिक्कत आ जाएगी फोर फीचर में, जब रीइशू होगा तो दो पे इंपैक्ट पड़ेगा, फोर फीचर पे भी और इशूड कैपिटल पे भी पड़ेगा हमारा, इशू एंड फुल्ली सब्सक्राइब। अब मैं इसकी बात करूं फोर फीचर, फोर फीचर में सिर्फ उसी की एंट्री आएगी जिसका रीइशू नहीं हुआ है, फोर फीचर में डिटेल सिर्फ किसका डालेंगे, जिसका रीइशू नहीं हुआ। तो मेरे सामने श्याम है, तो मैं श्याम की डिटेल डालने वाला हूं, श्याम का इंटू 7 में। अब इशूड कैपिटल दो बंदों के फोर फीचर थे, राम के श्याम के, फोर फीचर किसका, रीइशू मैंने किसका कर दिया है, राम का रीइशू कर दिया है, तो राम का डिटेल यहां अब नहीं आ सकता, तो राम का डिटेल कहां जाएगा, वो यहां चले जाएगा। यानी अब जो मेरा इशूड कैपिटल जो 39 लिख रहे थे आप, 39 नहीं है, ये भी तो दोबारा बिकी गए। देखो एग्जाम्पल, देखो मैंने क्या बताया था, 40,000 टोटल शेयर थे, जिसमें से आप बोल रहे हो 1,000 फेलियर है, आई एग्रीड 39,000, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसमें से जो थे इस 1,000 फेलियर में से कुछ दोबारा फिर जुड़ गए थे इसमें आके, वो कितने शेयर होल्डर थे, 100, यानी मेरा 39 100 शेयर टोटल होगा। यहां पे डिटेल में लिखूंगा मैं 39 100 और 10, वन जीरो आ रहा है, ठीक है। अब ये डिटेल आ जाएगा, अगर इशू होता है 6 रुपए में, इशू होता है 8 रुपए में, कोई फर्क नहीं पड़ना, फुल्ली पेड अप है ना, यहां पे कैपिटल का हम डिटेल बना रहे हैं ना कि पैसे रिसीव करने का, पैसे रिसीव करने वाला डिटेल बैंक में जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे मैंने 7 में इशू किया हो, चाहे मैंने 8 में इशू किया हो, चाहे मैंने 15 में इशू किया हो, चाहे मैंने 10 का शेयर 10 में इशू किया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। तो देखो फिर से मैं डिटेल का एक डिस्कशन करूं, तो अब जो मेरा न्यू कॉन्सेप्ट था उसके अंदर ये चेंज हो गया। अब मैं फिर से इसे एक बार और एग्जाम्पल इसको करता हूं, मैं एक बार और एग्जाम्पल लेके चलता हूं यहां पे। अब राम की जगह पे मैं एक और पर्सन ले लेता हूं, सपोज करो मोहन। अब मोहन ने ये भी दिया, ये भी दिया, और ये देने में फेल हो गया, इसके पास 500 शेयर है। अब इसके बाद मेरे डिटेल में देखा जाए तो अभी तक इंफॉर्मेशन में टोटल 1500 शेयर फेलियर हो गए। तो अगर मुझे यहां पे लिखना है इशूड कैपिटल में, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे इशूड कैपिटल में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 40,000 टोटल शेयर थे, यहां पे 38,500 लिखूंगा डिटेल। मैंने किसी का शेयर फोर फीचर नहीं किया, तो यहां पे फोर फीचर में चार अगर है फेलियर, चारों का डिटेल आ जाएगा। यानी अलग अलग करके लिख लो या इकट्ठा लिख लो, वो आपकी इच्छा है। मैं अगर इकट्ठा लिखूं तो टोटल 1500, 1500 में डिटेल में अगर मैं लिखता हूं, इसके कितने आ गए होंगे, जितने आ गए होंगे वो डिटेल लिखो यहां, 200 इसके, मैं अलग अलग कर लेता हूं, इसके आगे होंगे 200 प्लस में 1400 प्लस में 8 और प्लस में 500 इंटू में
4,000। अब मैंने यहां पे प्रीमियम बताया नहीं, प्रीमियम यहां पे 1 रुपए, ठीक है, लास्ट कॉल पे प्रीमियम रख रखा है। तो 4,000 ये आ गया। अब इसको टोटल कर देंगे, 1400, 4,000, 54, 56 और 5600, 10,000, 11,000, 200। तो ये आ जाएगा। यहां पे अब कुछ नहीं लिखना है, एट द रेट में टोटल अमाउंट यही दिखा दो, नहीं तो आप बहुत डिटेल में दिखाना चाहते हो तो राम का फिर ऐसे कैलकुलेशन दिखाओ, मोहन का, सोहन का, इस तरीके से दिखा सकते हो। अब मेरे क्वेश्चन में मान लो थोड़ा सा फिर चेंजेस कर रहा हूं, बताना आप क्या होने वाला है। मैंने चेंजेस ये करा, इसके शेयर फोर फीचर कर लिए, मैंने इसके शेयर फोर फीचर कर लिए राम के, यानी अब इस ये वाला डिटेल यहां नहीं आने वाला, ये डिटेल आ जाएगा और यहां पे टोटल आ जाएगा हमारा, जो नंबर ऑफ शेयर रहेगा वो रहेगा हमारा, और 11,000 अभी आपने बताया तो 11,000, यानी इसको अगर मैं हटा देता हूं तो 11,000 बचेगा। सपोज करो, फिर से एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका शेयर फी फोर फीचर करने वाला हूं मैं। अब यहां पे डिटेल में कितना लिखेंगे हम, इसका भी फोर फीचर हो गया, इसका भी फोर फीचर हटाओ, 5 और 2 700, 700 में एक तो इसका भी शेयर हटा देता हूं मैं, 56, यानी अब शेयर फोर फीचर में दोनों का डिटेल, शेयर फोर फीचर में क्या आ जाएगा हमारा टोटल, पहले वाले का 200 और प्लस 5,000, जो भी टोटल आएगा आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फिर और वेरिएशन अगर इसमें डालूं, वेरिएशन ये है कि मैंने सोहन का शेयर री इशू कर दिया, ध्यान से सुनना, इसके शेयर को री इशू भी कर दिया, मैटर नहीं है कितने का करा। अगर आपको लगता है कि ये भी बता दो तो मैंने ये लो 9 रुपए बता दिया, सोहन का शेयर मैंने री इशू कर दिया है, जब री इशू होगा तो दो हेडिंग इंपैक्ट होने वाला है, एक फोर फीचर इंपैक्ट होगा और एक इशू। तो अब जो मैंने सोहन का कर दिया है, सोहन का यहां डिटेल आएगा ही नहीं, सिर्फ आएगा यहां पे 200। अब सोहन क्या होगा, यहां जुड़ जाएगा आके, 38,500 की जगह पे ये आ जाएगा 39,200, क्योंकि टोटल देखो आप, टोटल शेयर फोर फीचर कितने थे हमारे, 1500 री, मतलब फेलियर 1500 में से 700 री इशू हो गया, यानी 800 ऐसे हैं जो कि फेलियर हो सकते हैं या जिसमें से फोर फीचर हुआ है री इशू बट नहीं हुआ। तो देखो यहां पे कितने आएंगे, 800 शेयर कम आएगा, यानी उस वो शेयर यहां पे नहीं आ सकता जो कि फेल हुआ है या फिर फेल होके फोर फीचर हो गया है। अगर कोई शेयर होल्डर फेल हुआ है, फेल होके फोर फीचर करके री इशू भी हो गया तो यहीं पे आ जाएगा वो दोबारा, यानी यहां पे 10, तो इसकी बात करूं तो मैं आ जाएगा 390, यहां पे 54। हां जी, री इशू जो हुआ है फोर फीचर में कोई काम नहीं है। अब सपोज करो मैं अगर बोलूं कि मैंने इसमें से जो इसका शेयर था, इसमें से 50 शेयर री इशू किए हैं, इसमें से कितने शेयर री इशू करें, ओनली 50। अब यहां पे जो होगा ये 39,200 में 50 और ऐड हो जाएगा, ये देखो, और यहां पे भी 50, यानी ये आ गया। अब ये जो फोर फीचर वाला, ये इंपैक्ट होने वाला है, ये मैंने पहले 100 से लिखा था, 50 × 2, यानी ये रह जाएगा 100। यानी देखा जाए टोटल, तो सिंपल सा लॉजिक है, जब री इशू होता है तो फोर फीचर में उसका अमाउंट नहीं आता, वो कहां चले जाता है, इशूड फुल्ली पेड। अगर शेयर फोर फीचर ही नहीं हुआ तो डिटेल यहां, अगर शेयर सिर्फ फोर फीचर हो गया तो डिटेल यहां, यहां नहीं आएगा, फिर यहां आएगा, लेकिन फोर फीचर होने के बाद री इशू हो गया तो ये दोनों छोड़ दो, आप ऊपर चला जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। प्रीमियम पे भी मैंने इशू करके दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रीमियम का,
ओवर सब्सक्राइब का भी कॉन्सेप्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट होगा तो इशूड में तो पूरा होगा, सारा काम अंडर सब्सक्राइब के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब जो भी टोटल आता है, सपोज करो 3,92,500 और प्लस में 5,400 और 100, कितना आ गया ये टोटल करो फटाफट से एक बार, 5,500 और 398, और 398 यहां आ गया। अब देखो मेरे से कई बार अगर मैं लॉजिकली थोड़ा बहुत, अब मैं आगे चल रहा हूं, लॉजिकली अगर पूछा जाए सर ये 4,00,000 में से 390 है बाकी कहां गए, देखो कैपिटल रिजर्व भी तो बना होगा रीइशू के टाइम पे, कैपिटल रिजर्व बना होगा 200 रुपए का। जब कैपिटल रिजर्व हमारा 200 रुपए का, सॉरी 2000 रुपए का, अगर 2000 का कैपिटल रिजर्व बना होगा, कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट होता है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस में आके पूरा टोटल 4,00,000 आ जाएगा ये। लेकिन आपको रिजर्व एंड सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट अभी करना ही नहीं है, जब आगे देखेंगे क्वेश्चन जैसे जैसे जाएंगे आगे हम उसके हिसाब से करते जाएंगे। तो अभी देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, सिर्फ कैपिटल रिजर्व नहीं बताया, अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी कुछ बच्चा पूछ सकता है सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं जाएगा, जाएगा, मैंने अभी नोट लिखवाया ना आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम किसके अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, वहां से हटके यहां आ जाएगा। कैश बुक भी बना रखा है तो कैश बुक कहां लिखेंगे, कैश बुक यहां लिखेंगे करंट एसेट्स के नीचे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे, मैं लिख देता हूं, इसके अंदर ए पार्ट और यहां आ जाएगा हमारा बैंक का बैलेंस। रीइशू, हाँ वो 10 सही होगा। अब देखो एक डाउट ये भी आया, सर रीइशू अगर 9 रुपए से करते हैं तो रीइशू वाला शेयर जो हम जोड़ रहे हैं क्या वहां 10 से ही जुड़ेगा, बिल्कुल, अगर रीइशू आप 6 में करते हो तब भी यहां पे 10 से जुड़ेगा, रीइशू अगर 5 में करते हो तब भी 10 में, रीइशू अगर 15 में करते हो तब भी 10 ही जुड़ेगा यहां पे। यानी यहां पे ऐसा नहीं है कि, क्योंकि फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, कैपिटल तो पूरा देंगे हम, कैपिटल बना रहे हैं ना ये, हमें ये नहीं कर रहे कि लॉस कितना हुआ, हम ये नहीं सीख रहे कि बैंक में कितना पैसा हुआ, हम ये देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल कितने का है। अब ये फटाफट नोट करिए, इसके अंदर जो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है इसी एग्जाम्पल को नोट करो, फिर एक आध बुक का क्वेश्चन देखेंगे। इशू ऑफ शेयर के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें से भी कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बोला जाता है आपको बैलेंस शीट बनाने को। बैलेंस शीट आपका ये जो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ, ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें पुट कर दिया है। हमारे सिलेबस में जब हम बैलेंस शीट वाला पूरा चैप्टर करेंगे वो थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जब थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा बैलेंस शीट सीखना होगा। और हमारे एग्जाम के अंदर फाइनल टर्म के अंदर कई बार पूछा जाता है, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम दे देगा और बोला जाएगा कौन सा आइटम कहाँ जाएगा ये बताओ। तो आज सिर्फ हम बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट, एक टुकड़ा सीख रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ चैप्टर नंबर 8 जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है उससे रिलेटेड, और कोई एक्स्ट्रा इसका काम नहीं आने वाला। सबसे पहले बैलेंस शीट बनता कैसे, ये क्या है हमारा, ये वाला जो बैलेंस शीट जो बनाया जाता है एज पर लॉ के हिसाब से बनाया जाता है। लॉ, अब चैप्टर जो हमारा चल रहा था कंपनी अकाउंट चल रहा था, तो कंपनी अकाउंट के हिसाब से लॉ भी फॉलो होगा यहाँ पे, कंपनी एक्ट 2013। अगर लॉ की मैं बात करूँ तो लॉ कौन सा है हमारा, 2013, वहां पे शेड्यूल 6 गिवन है। पहले अलग अलग रूल था, पहले शेड्यूल 6 आया, फिर अब जाके शेड्यूल 3 आ गया है इसका। तो शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है ये फॉर्मेट, पहले शेड्यूल 4 था फिर चेंज हुआ, अब शेड्यूल 3 के अंदर आ गया ये।
अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर फॉर्मेट क्या है, ऐसा क्यों बनाया गया। नॉर्मली हमारा पहले वाला जो बैलेंस शीट था कुछ इस तरीके से बनाते थे हम। पहले वाले बैलेंस शीट की बात करूँ तो इस साइड लाइबिलिटी लिखा करते थे और इस साइड में एसेट लिखा करते थे। और पहले क्या था, जो हमें नजर आया अगर कैश पता चला तो कैश लिख दिया हमने, बिल्डिंग पता चला तो बिल्डिंग लिख दिया, इसके बाद हमें अगर स्टॉक पता चला तो स्टॉक लिख दिया। यहां पे हम कैपिटल लिखते थे, क्रेडिटर पता चला तो क्रेडिटर लिख दिया, लोन पता चला तो लोन लिख दिया। तो इस बैलेंस शीट को लाने का सबसे मेन पर्पस क्या था, पहले जो हम लिखते थे बैलेंस शीट में, सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक था आपका, इस बैलेंस शीट में हम किसी भी एसेट्स को या लाइबिलिटी को अरेंज करके नहीं लिखते थे। अरेंज करने का मतलब है हमारे बैलेंस शीट का जो एसेट्स और लाइबिलिटी है वो डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज, जैसे कि करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, इस कैटेगरी में नहीं लिखा करते थे। तो इसमें क्या होता था, शेयर होल्डर हर बार कंफ्यूज हो जाता था, कुछ चीजें डिटेल नहीं होता था, सारा हम इकट्ठा अमाउंट लिख देते थे। मान लो मैंने यहां पे बिल्डिंग लिख दिया 100 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए का मैंने बिल्डिंग लिख दिया। अब एक बिल्डिंग है ये या दो बिल्डिंग है या तीन बिल्डिंग है, ये डिटेल पता नहीं चल पाता था। फिर इसी समस्या को देखते हुए लॉ के अंदर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट ये किया गया कि बिल्डिंग 100 लाख है, इस बिल्डिंग के लिए आप डिटेल लिखो कहीं ना कहीं जाके। तो अगर मैं इस बिल्डिंग के आगे 1 नंबर लिख दूं और इस 100 लाख की अगर मैं जानकारी चाहता हूं तो एक 1 नंबर नोट दे देता हूं, नोट नंबर 1, 1 नंबर पे लिख दूंगा, जैसे सपोज बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, ये मेरा 40 लाख का है और ये मेरा 60 लाख का है। इस तरीके से आपको बिल्डिंग की पूरे अच्छे से जानकारी मिल गई कि ये दो बिल्डिंग को जोड़कर 100 लाख है। सेम ऐसे कैपिटल, जब मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल 50 लाख रुपए है, तो इन्वेस्टर जब 50 लाख देखता था उसे कुछ समझ नहीं आता था, वो कंफ्यूज ही रहता था। रीजन, अब इसमें इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है या फोर फीचर वाला अमाउंट है या कॉल सिनेरियो है, कुछ नहीं पता चल पा रहा। लॉ ने कहा कि इसकी डिटेल बताओ इन्वेस्टर को, तो इसके लिए सपोज करो नोट नंबर 1 इसके लिए बना दिया मैंने, या नोट नंबर जो भी है नंबरिंग डाल दिया मैंने। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल है। तो सबसे पहले तो हमें इस बैलेंस शीट को, जो न्यू बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के हिसाब से, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना होगा कि ये बैलेंस शीट के अंदर नोट आया है, एक न्यू कॉन्सेप्ट। नोट आने का कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों का काम तो बढ़ गया लेकिन इन्वेस्टर का काम आसान हो गया, उसको एक ही जगह से सारी कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाता है। जैसे शेयर्स में क्या क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, वो सारी डिटेल हमें दिखाना पड़ेगा उस नोट में। सेम ऐसे अगर मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में किस किस को उधार दिया ये तो पता होना चाहिए, कौन सा क्रेडिटर है जिसको 6 महीने के लिए उधार दिया है, कौन सा क्रेडिटर है जिसको मैंने 5 महीने के लिए उधार दिया है। उसके लिए देखना चाहते हो तो उन्होंने एक नोट बनाया होगा, उस नोट पे जाओ, क्योंकि अगर मैं यहां पे बनाता हूं तो बैलेंस शीट बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर मैं यहां सारा शेयर कैपिटल का डिटेल डालता हूं, जैसे कि देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में सिर्फ मैंने एक ही नोट के बारे में चर्चा किया है, और नोट क्या है, ये शेयर कैपिटल। अगर मैं यही नोट इस बैलेंस शीट के अंदर लिख दूं तो बैलेंस शीट तो बहुत बड़ा बन जाएगा, एक नोट ही इतना ले जाएगा पूरे बैलेंस शीट के बराबर। इसलिए उसने बोला बैलेंस शीट को बिल्कुल साफ सुथरा कंक्लूसिव रखो, क्योंकि हर इन्वेस्टर को क्या देखना है वो उसके इच्छा पे डिपेंड करता है। हर इन्वेस्टर बैलेंस शीट के सारे आइटम को नहीं देखता, जिस चीज की उसको जानकारी है या जिस चीज में वो इंटरेस्टेड है सिर्फ वही चीज देखे। तो उसने कुछ बैलेंस शीट को क्या करा, ये जो आपका लाइबिलिटी है इस एसेट्स को यहां से हटा के उन्होंने क्या करा, सामने रख दिया और यहां पे एसेट्स को कर दिया। बस एक तो चेंजेस ये करा, दूसरा चेंजेस क्या करा उन्होंने, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी है इसको अरेंज करके लिख दिया।
ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और ये अरेंज कभी भी कोई अगर आगे पीछे लिखता है तो वो गलत माना जाएगा, इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा चेंज इसने क्या करा कि इन सब के डिटेल जानने के लिए एक नोट प्रिपेयर करवा दिया। तो अब जो हम बैलेंस शीट सीखने वाले हैं वो न्यू बैलेंस शीट सीखने वाले हैं कंपनी का। जो पहले बैलेंस शीट होता था पार्टनरशिप फर्म का, वो हमारे रियल लाइफ में अब बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर यूज कौन सा होता है हमारा, ये वाला बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम है, बहुत सारी चीजें, जब थर्ड बुक करेंगे तो पूरा डिटेल। अभी मैं सिर्फ इशू ऑफ शेयर जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, सिर्फ उसी से रिलेटेड मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। पूरा बैलेंस शीट अभी डिस्कशन नहीं करने वाला मैं। अब इसके अंदर देखो, मैंने यहां पर लिखा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद ये रोमन में वन है और रोमन में टू है। अगर आपने इसको रोमन वाले को चेंज कुछ कर दिया, गलती से एक लिख दिया और इसको दो लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। जो फिक्स है, जो लॉ में लिखा हुआ है, उस लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसके बाद है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो लाइबिलिटी साइड ना दो लोगों का होता है हमेशा। अगर मैं लाइबिलिटी साइड की बात करूं तो लाइबिलिटी साइड आपने 11th क्लास में भी अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, लाइबिलिटी होता है एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो ऑनर का होता है, एक्सटर्नल जो होता है वो आउटसाइडर का होता है। जैसे क्रेडिटर हो गया, जैसे बैंक लोन हो गया, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारे क्या है हमारा, एक्सटर्नल। अब ऑनर फंड को हम, ऑनर वाले को जो पैसा लगता है हम उसको इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। अब इक्विटी या ऑनर फंड की मैं बात करूं, ऑनर फंड में बहुत सारी चीजों को मिला दिया गया। ऑनर फंड में बेसिकली दो चीजों को मिला दिया गया, एक शेयर कैपिटल को, एक रिजर्व एंड सरप्लस को। शेयर कैपिटल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमारी, शेयर कैपिटल के अंदर देखा जाए तो हमारे पास है इक्विटी, शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस में काफी सारे हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व है। तो ये सारा पैसा जो होता है जनरली ये किसका होता है, ऑनर का होता है। तो देखो यहां पे हेडिंग जो लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ऑनर फंड को मैं क्या नाम से, इक्विटी के नाम से भी बोल सकता हूं। तो इक्विटी का मतलब है मालिक वाला पैसा, एंड लाइबिलिटी का मतलब है ये वाला जो कि मैंने बताया नहीं। इसके अंदर क्या आ सकता है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ सकता है, क्रेडिटर आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है, डिबेंचर आ सकता है। तो मैंने यहां पे उसका डिटेल डाला ही नहीं है, सिर्फ इक्विटी वाली चीज हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, शेयर कैपिटल। तो शेयर वाली पॉइंट को ही मैंने इस बैलेंस शीट में कंसीडर किया, और एग्जामिनर को ज्यादा आपको बताना भी नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है। अब इक्विटी के अंदर मैंने यहां लिखा, देखो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड पहला पॉइंट है। शेयर होल्डर फंड मतलब मालिक का पैसा, शेयर होल्डर कौन होता है, मालिक, फंड मतलब पैसा। शेयर होल्डर का क्या क्या पैसा होगा, एक तो शेयर कैपिटल होगा, एक रिजर्व एंड। अब जो मैंने पॉइंट नंबर यहां पे वन लिखा है आपको वन ही लिखना है, यहां पे स्मॉल ए लिखा है तो आपको स्मॉल ए ही लिखना है, ये नहीं कि आप यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी लिख दोगे, स्मॉल ए ही लिखना है। तो दो पैसा आपका यहां पे है। एसेट्स के अंदर देखा जाए तो दो कैटेगरी किया गया है, एक करंट एसेट्स, एक फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स में क्या आएगा, इसका जानने का भी हमें जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं बताऊं तो करंट एसेट्स में अगर पूछो तो मैं बोलूंगा कैश को सिर्फ लिख देना। अभी करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी कैश का बैलेंस आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसके लिए, सबसे पहले नोट नंबर वन। नोट नंबर वन का मतलब क्या है, सपोज दैट मैं यहां पे 100 लाख रुपए लिख दूं। चलो इन्वेस्टर को एक इतना सा बैलेंस शीट मिल गया, इन्वेस्टर ने देखा 100 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेकिन क्या क्या है वो हर किसी से पूछेगा, जानकारी लेगा, नहीं मिलेगा तो वो कंप्लेंट करेगा। फिर
उसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे जो नंबर वन लिखा है, शेयर होल्डर यानी इन्वेस्टर समझ जाएगा। नंबर वन मतलब इस 100 लाख की सारी जानकारी नंबर वन पे होगा। और नंबर वन क्या है हमारा? नोट। ये मैंने नोट नंबर वन का डिटेल बनाया कि क्या क्या इसके अंदर आता है। सबसे पहले लिखा है मैंने नोट नंबर वन शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे कंपनी अपने आप को क्या करवा लेता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। अब उसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होगा। ऐसा नहीं कि इक्विटी के लिए अलग ऑथराइज होगा, प्रेफरेंस के लिए अलग, दोनों मिला के होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहां डैश लगाया है। मान लो 50,000 मेरा इक्विटी शेयर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 50,000, और 10 रुपए का एक है तो मैं 10 रुपए, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 लाख। इस 5 लाख को मैं यहां पे शो कर दूंगा। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो कि आपका 1 लाख है, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, या फिर 10 रुपए का एक है तो यहां पे आ जाएगा, अब ये टोटल आ गया 15 लाख। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि जर्नल एंट्री करते थे तो थ्राइस कैपिटल गिवन जरूर होता था क्वेश्चन में, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता। सेम इसी तरीके से इसका भी कोई यूजेस नहीं है, बस यहां पे टोटल करके स्टॉप कर देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, नहीं गिवन तो ये वाला कॉलम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड आ गया आपका इशूड कैपिटल। अब हमें समझना पड़ेगा कि इशूड कैपिटल क्या होता है। कंपनी ने जितने पब्लिक को ऑफर किया है इशूड, इशूड करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा सारा का सारा शेयर क्या होगा, बिक जाएगा। मे बी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा बिक जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है कि कम बिके। यहां पे ओवर सब्सक्राइब जब कभी भी होगा, इस पे हमारा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अंडर सब्सक्राइब पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। मान लो इशूड कैपिटल मैंने किया यहां पे 10,000, 10,000, 10 रुपए का एक है तो 1 लाख रुपए यहां आ जाएगा। इसका टोटल आ जाएगा 16 लाख, नहीं 1 लाख ही रहेगा। इशूड कैपिटल का भी कोई रोल नहीं है बेसिकली। अब मान लो मेरा अगर 12,000 शेयर बिके तब भी मैं लिखूंगा 10,000, क्योंकि मैंने इशूड कितना किया है, 10,000। आपको अच्छे से याद होगा जब ओवर सब्सक्राइब होता था तो शेयर कैपिटल किससे एंट्री करते थे हम, सिर्फ और सिर्फ इशूड कैपिटल से। लेकिन अगर हमारा मान लो 9,000 शेयर बिका तो फिर मैं यहां पे 9,000 लिखूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ओवर सब्सक्राइब का और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में, कोई पैसा रिफंड हो रहा है ये सब कुछ नहीं सोचना, सिंपल तरीके से। हाँ जी, ऊपर 10 ही आएगा क्योंकि इशूड मैंने किया, उसमें से कितना बिका उसका डिटेल है। जब शेयर को बेचने जाएंगे, अब देखो जब शेयर को बेचने जाएंगे तो यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो मेरा ऑथराइज कैपिटल मैंने यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेम क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 50,000, 10 रुपीज, 1 लाख, 10 रुपीज। इसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं इशूड कर दूंगा। इशूड कितना डिसाइड किया? 10,000। इसके बाद एप्लीकेशन जो रिसीव था वो था सपोज करो 12,000, एप्लीकेशन रिसीव था 12,000। अब डिटेल जो गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है, 10 रुपए का, 10 रुपीज का मैं डिटेल दे देता हूँ यहाँ पे, 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए। हुआ ये कि यहाँ पे एक व्यक्ति राम था और एक व्यक्ति श्याम था। राम ने अलॉटमेंट के 200 शेयर के पैसे नहीं दिए और श्याम ने 300 शेयर के पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। अब ये लाइन का मतलब है इशूड किया तो है, ठीक है, लेकिन फुल्ली पेड अप वाले शेयर ढूंढ के निकाल लो आपके क्वेश्चन में से। वो शेयर होल्डर निकाल लो जो कि फेल हुआ ही नहीं, वो पूरा का पूरा पैसा देता है। टोटल इशूड मैंने कितने किए थे क्वेश्चन में? 10,000। तो बड़ा ही सिंपल है कि देखो मैंने 10,000 टोटल इशूड किया है जिसमें से दो व्यक्ति फेलियर है, यानी 500 शेयर होल्डर फेलियर है, तो इसका मतलब 9,500 शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होंगे जिसने कि मेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं रोका होगा, उसने पूरा का पूरा पेमेंट किया होगा 10 रुपए।
तो इसका मीनिंग है इशूड एंड फुल्ली पेड अप, यानी आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर उन शेयर होल्डर को निकालना है जिसने के पूरा का पूरा पेमेंट कर रखा है। निकालने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में ये पता करो कि कितने शेयर होल्डर फेलियर है, उसके शेयर को इशू प्राइस में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखा जाए तो मैं इस वाले कॉलम में क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखने वाला हूं 9500 इनटू में 10 इनटू में 10, इसका मतलब मेरा यहां पे आ जाएगा टोटल 95,000। अब यहां पे लिखा हुआ इशू तो किया है लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए शेयर होल्डर ने, यानी जो शेयर होल्डर फेलियर है उसको पता करो। तो यहां पे देखा जाए तो दो शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है, 500, यानी अलग अलग डिटेल है। तो 500 में से देखा जाए तो 500 अगर मैं डिटेल लिखूं तो एक बंदा था जिसके पास 200 शेयर था, एक बंदा था जिसके पास, मैंने यहां पे हेडिंग लिखा है इशू बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका मतलब है इशू तो किया लेकिन उसने पूरे पैसे नहीं दिए, मैंने मांगे थे लेकिन उसने नहीं दिए। तो यहां पे देखा जाए तो इसने राम ने कितने दिए, सिर्फ 2 रुपए, और श्याम ने कितने दिए, 5 और 2, 7 रुपए। तो यहां पे टोटल करूं तो मैं यहां पे 400 और 2100, तो इसने टोटल 2500 दे दिए। अब अगर शेयर फोर फीचर हो जाता है तब क्या एंट्री करते हैं, मैं अभी शेयर फोर फीचर का काम नहीं कर रहा, अभी बस इसके पहले एक बार ये समझा दूं, उसके बाद फिर मैं शेयर फोर फीचर इसी में लूंगा। इतना काम करने के बाद हमें अब टोटल जो करना है, ये टोटल होगा पूरा आ जाएगा ये 97,500, ये लो बैलेंस शीट हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, और ये 97,500 मैं उठा के यहां पे लिख दूंगा 9750। तो एग्जामिनर बोलेगा ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाने में बस थोड़ा सा आपको ये फॉर्मेट याद, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया, ये यूज ही नहीं होगा, सिर्फ यूज होगा फर्स्ट, यही दो यूज होना है, ये भी यूज नहीं होना क्वेश्चन में, मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया है ये। बस मेन क्या है आपका, ये नोट, कई बार तो एग्जामिनर कहता है बैलेंस शीट भी मत बनाओ, बस इसके नोट बना के दिखा दो आप। तो नोट बनाते टाइम पे सबसे पहला जो हेडिंग है वो है हमारा ऑथराइज कैपिटल, उसका कोई काम नहीं है, जितना क्वेश्चन में दे रखा है पुट करो और लिखो। सेकंड हेडिंग है इशूड कैपिटल, उसका भी कोई काम नहीं है, जितना दे रखा है लिखो। हमारा काम तीसरे हेडिंग से स्टार्ट होता है जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में मेरे पास जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन में से हमें कुछ शेयर को निकालना है जिसने के सारे का सारा पेमेंट दिया है और उसको यहां लिखना है। नॉट फुल्ली पेड अप में हमें उन सारे शेयर को ढूंढ के निकालना है जिसने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कितने नहीं किए उससे मतलब नहीं है, जिसने पूरे पेमेंट नहीं दिए तो कितने दिए उसका डिटेल यहां पे लिख देंगे। और उसके बाद इन दोनों कॉलम का क्या हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा इजीली। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूं, सपोज दैट मैं अगर मान लूं कि इसके शेयर, जो इसका शेयर था आपका मिस्टर राम का, वो फोर फीचर हो गए, उसके शेयर मैंने फोर फीचर कर लिए, इसका मतलब यहां पे किसके शेयर फोर फीचर नहीं हुए, ये देखो श्याम का, राम का हो चुका है श्याम का। तो जो यहां पे इशूड बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखा है मैंने, इसमें उसी पर्सन का, उसी शेयर होल्डर का डिटेल जाता है जो फेल हो गया है लेकिन फोर फीचर ना हुआ हो। अगर उसका फोर फीचर हो गया है तो उसका डिटेल यहां पे नहीं आने वाला। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलू तो यहां पे राम का तो फोर फीचर हो ही गया, तो मैं राम वाला शेयर का डिटेल नहीं लिखने वाला। अब देखो मैं कितना लिखने वाला हूं यहां पे, अब मैं लिखूंगा यहां पे ओनली सिर्फ और सिर्फ 300 और इनटू में 7, यानी 2100। जिसका शेयर फोर फीचर हो गया है, जिस पर्सन का शेयर फोर फीचर हुआ है वो यहां आ जाएगा शेयर फोर फीचर में, यानी शेयर फोर फीचर राम का हुआ है वो भी कितने रुपए हुआ है, 400, तो ये 400 रुपए आ जाएगा, यानी इसने सिर्फ यही पेमेंट किया था। यानी पहले वाला तो देखो सिंपल है,
दूसरे वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, आपको सोचना पड़ेगा कि कब इसके अंदर एंट्री लिखे और कब ना लिखे। अगर वह फेलियर है तो मैं जरूर उसकी डिटेल डालूंगा, लेकिन याद रखने वाली बात है उसका शेयर फोरफीचर ना हुआ है, क्योंकि जिसका शेयर फोरफीचर हो गया मैं अब उसे फेलियर नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके शेयर मैंने उससे ले लिए हैं। तो जिसका शेयर फोरफीचर हो गया उसका तो किस में चला जाएगा, फोरफीचर वाले में, लेकिन जिसका शेयर फोरफीचर नहीं हुआ वो चले जाएगा हमारा इशूड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सपोज करो मैं इसका भी शेयर फोरफीचर कर लूं, इसका मतलब ये हेडिंग मेरे किसी काम का नहीं रहा। अगर मैं इसका भी फोरफीचर कर लेता हूं तो ये हेडिंग किसी काम का नहीं, फिर भी मैं फॉर्मेट के पर्पस के लिए बना देता हूं इसे। अब मुझे यहां पे फोरफीचर में अमाउंट लिखना है, दो बंदों के अमाउंट आएंगे, अब राम के कितने आएंगे 400 और श्याम के 2100, यानी फिर से हो गया ये 2500। तो अभी तक क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि मेन क्या है हमारा, नोट्स टू अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले वाला पॉइंट शेयर कैपिटल जो है, ऑथराइज कैपिटल किसी काम का नहीं है, बस डिटेल डालना है। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो ठीक, नहीं तो उसे भी हम स्किप कर देंगे। बाकी आप एक काम कर सकते हो, ऑथराइज कैपिटल लिख के यहां पे ब्लैंक लिख दोगे, डैश डैश डाल दोगे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए इसको पूरा फॉर्मेट अच्छे से आता है। सेकंड है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में क्या हम करते हैं, वही शेयर जो कि इशू किया है कंपनी ने, सारा आ जाएगा, चाहे हमारा शेयर बिका हो चाहे ना बिका हो। इसके बाद अगले वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगले वाला जो हमारा इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब है, इसके अंदर हमें ध्यान देने वाली बात है। ध्यान क्या देना है कि जितने टोटल शेयर थे उस शेयर में से उन शेयर को ढूंढ के निकाल लो जिसने कि सारा पेमेंट किया है। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, टोटल इशूड कैपिटल में से फेलियर वालों को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कौन सा बच जाएगा, जिसने सारा पेमेंट, उसको लिखने के बाद यहां इशूड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यहां पे वही शेयर होल्डर का रिकॉर्ड मेंशन करूंगा जो कि फेल हुआ है लेकिन उसका शेयर फोरफीचर नहीं होना चाहिए। अगर उसका शेयर फोरफीचर हो गया तो उसकी डिटेल यहां ना आके शेयर फोरफीचर में आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके करते हैं इसको। सपोज करो मैं यहां पे इशूड कैपिटल जो है वो कर देता हूं 40,000, एप्लीकेशन रिसीव कर दिया मैंने 50,000। देखो पहले भी एप्लीकेशन रिसीव था 12,000, क्या मैंने 2,000 का कुछ डिस्कशन किया पूरे क्वेश्चन में, नहीं। ओवर सब्सक्राइब हो जाए कोई रोल नहीं है उसका क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हो जाए तब भी इसका कोई काम नहीं है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, बताओ इशूड कैपिटल कहां जाता है, तो हमारा आंसर होगा शेयर कैपिटल में जाता है। कॉल सिनेरियर कहां जाता है, आंसर होगा शेयर कैपिटल में। कुछ चीजें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं किया मैंने, अब मैं कर देता हूं। ये जो होता है ना इसको बोलते हैं मेजर हेड या फिर मेन हेड, इसको बोलते हैं सब हेड, सॉरी जो पहले वाला है इसको बोलेंगे साइड। हमारे बैलेंस शीट में दो ही साइड है और इसको बोलेंगे मेन हेड, और ये जो छोटे छोटे हैं इनको बोलेंगे सब हेड। तो एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ ऑथराइज कैपिटल कहां जाएगा, तो मैं बताऊंगा पहले साइड। साइड क्या होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर मैं बताऊंगा मेन हेड, शेयर होल्डर फंड। फिर मैं बताऊंगा सब हेड यानी शेयर, तब जाके 1 मार्क्स मिलेगा। ये जब थर्ड बुक करेंगे उसमें सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरीके के हैं। यहां पे मैं बता रहा था, अब मेरे क्वेश्चन में 50,000 है, ये मैं पूरा डिटेल सेम रख रहा हूं। मैंने क्या करा, इसको थोड़ा डिटेल को चेंज कर रहा हूं, करने जा रहा हूं मैं यहां पे। डिटेल मैंने चेंज ये किया कि मैं यहां पे 1 रुपए कर देता हूं और यहां पे 3 रुपए, 2 रुपए, चलो मैं प्रीमियम पे कर देता हूं। प्रीमियम बता सकते हो कितने का है, मिस्टर राम उसने ये पेमेंट किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मिस्टर श्याम उसने ये पेमेंट किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मिस्टर सोहन उसने ये पेमेंट किया, ये किया, ये किया, ये नहीं किया।
अब मुझे बोला गया कि आप मुझे बैलेंस शीट बना के दिखाएं, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब मैं सबसे पहले देखो, जब मैं फिल करने जाऊंगा ये वाला तो एज इट इज सेम है, यहां पे मैं 10,000 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 40,000 रुपए, 10, यानी ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद ये भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे ढूंढना है वो वाले शेयर जिसने पूरे पेमेंट किए, तो टोटल शेयर मैंने इशू कितने किए थे, इसमें से जितने फेलियर है उनको हटा दो। मैंने नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया, मान लेते हैं राम के 100 शेयर हैं, श्याम के 200 और इसके 500 या फिर इसके 700 मैंने मान लिया। अब देखा जाए तो मुझे टोटल शेयर इशू कितना किया ये तो पता है, टोटल शेयर 40,000 है, मुझे वो शेयर ढूंढने हैं जो कि सारा पेमेंट दे के जा रहा है। मैं इसमें से सारे फेलियर को माइनस कर दूंगा, यानी इनका टोटल कर दूं तो 1,000, यानी 39,000। तो मुझे यहां पे डिटेल पता है कितना लिखना पड़ेगा, 39,000 और 10 रुपए का एक रहेगा, वो प्रीमियम पे मैंने इशू किया फिर भी 10 रुपए का ही रहेगा, यहां पे आ जाएगा 3,90,000। अभी तक मैंने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि फोर फीचर हुआ ही नहीं हुआ, लेट मैंने अब बता देता हूं कि इन दोनों का शेयर फोर फीचर हो चुका है, लास्ट वाले का नहीं हुआ। दो के शेयर फोर फीचर हो गए, लास्ट वाले का नहीं हुआ। अब ध्यान से सोचना, क्या ये वाले डिटेल में किसी का इस्तेमाल करेंगे, करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले का, जिसका शेयर फोर फीचर नहीं हुआ सिर्फ उसी के करेंगे। यानी यहां पे डिटेल मैं लिखने वाला हूं, 700 शेयर कितने दे दिए उसने, 5,278 रुपए, यानी 5,600। अब मेरा दूसरा कंसर्न ये आता है, मुझे ये बता दें क्या शेयर फोर फीचर का भी इस्तेमाल होगा यहां पे? बिल्कुल होगा। जो शेयर होल्डर फेलियर था अगर उसका फोर फीचर हुआ तो यहां पे डिटेल डालो, यानी डिटेल कितना है, 100 वाले ने सिर्फ 200 दिया, 200 वाले ने 1,400 रुपए दिया, तो 200 प्लस में, ये तो मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दिया, ये समझ में आ रहा है कैसे किया। अब ये 1,400 2 1,600 रुपए ये आ गया, अब इसका टोटल कर देंगे, वो हमारा उठ के कहां जाएगा, यहां बैलेंस शीट में जो इसका टोटल होगा। टोटल में भी देखो, कई बच्चे क्या करते हैं सबको टोटल कर देते हैं, पहले दो ऑथराइज कैपिटल का टोटल अलग होता है, इशूड कैपिटल का अलग होता है, उसके बाद वाला टोटल मेरे काम का होता है। यानी यहां तक हमें समझ में आ गया इसका इंपॉर्टेंस। अब एक पॉइंट और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने वाला हूं मैं, चलो मैं इसको फिर से शेयर फोर फीचर वाले को मिटा देता हूं, और एक पॉइंट क्या इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट मैं ये इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं इसके अंदर कि राम के शेयर रीइशू हो गए, राम के शेयर क्या हो गए, रीइशू। यानी फोर फीचर तो मैंने दो के किए थे, राम के भी किए थे और श्याम के भी किए थे, लेकिन रीइशू सिर्फ राम के किए थे। सबसे पहले यहां पे तो डिटेल यही आने वाला है, 5,600 जो फेल हुआ और फोर फीचर हो नहीं हुआ उसका डिटेल तो ये लिख दिया। अब दिक्कत आ जाएगी फोर फीचर में, जब रीइशू होगा तो दो पे इंपैक्ट पड़ेगा, फोर फीचर पे भी और इशूड कैपिटल पे भी पड़ेगा हमारा, इशू एंड फुल्ली सब्सक्राइब। अब मैं इसकी बात करूं फोर फीचर, फोर फीचर में सिर्फ उसी की एंट्री आएगी जिसका रीइशू नहीं हुआ है, फोर फीचर में डिटेल सिर्फ किसका डालेंगे, जिसका रीइशू नहीं हुआ। तो मेरे सामने श्याम है तो मैं श्याम की डिटेल डालने वाला हूं, श्याम का इंटू 7 में। अब इशूड कैपिटल, दो बंदों के फोर फीचर थे, राम के श्याम के, फोर फीचर किसका, रीइशू मैंने किसका कर दिया है, राम का रीइशू कर दिया है, तो राम का डिटेल यहां अब नहीं आ सकता, तो राम का डिटेल कहां जाएगा, वो यहां चले जाएगा। यानी अब जो मेरा इशूड कैपिटल जो 39 लिख रहे थे आप, 39 नहीं है, ये भी तो दोबारा बिकी गए। देखो एग्जाम्पल, देखो मैंने क्या बताया था, 40,000 टोटल शेयर थे जिसमें से आप बोल रहे हो 1,000 फेलियर है, आई एग्रीड 39,000, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसमें से जो थे इस 1,000 फेलियर में से कुछ दोबारा फिर जुड़ गए थे इसमें आके, वो कितने शेयर होल्डर थे, 100, यानी मेरा 39,100 शेयर टोटल होगा। यहां पे डिटेल में लिखूंगा मैं 39,100 और 10, ठीक है, अब ये डिटेल आ जाएगा।
अगर इशू होता है 6 रुपए में, इशू होता है 8 रुपए में, कोई फर्क नहीं पड़ना, फुल्ली पेड अप है ना। यहाँ पे कैपिटल का हम डिटेल बना रहे हैं ना कि पैसे रिसीव करने का। पैसे रिसीव करने वाला डिटेल बैंक में जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे मैंने 7 में इशू किया हो, चाहे मैंने 8 में इशू किया हो, चाहे मैंने 15 में इशू किया हो, चाहे मैंने 10 का शेयर 10 में इशू किया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। तो देखो फिर से मैं डिटेल का अगर डिस्कशन करूं तो अब जो मेरा न्यू कॉन्सेप्ट था उसके अंदर ये चेंज हो गया। अब मैं फिर से इसे एक बार और एग्जाम्पल इसको करता हूं, मैं एक बार और एग्जाम्पल लेके चलता हूं यहां पे। अब राम की जगह पे मैं एक और पर्सन ले लेता हूं, सपोज करो मोहन। अब मोहन ने ये भी दिया, ये भी दिया और ये देने में फेल हो गया। इसके पास 500 शेयर है। अब इसके बाद मेरे डिटेल में देखा जाए तो अभी तक इंफॉर्मेशन में टोटल 1500 शेयर फेलियर हो गए। तो अगर मुझे यहां पे लिखना है इशूड कैपिटल में, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे इशूड कैपिटल में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 40,000 टोटल शेयर थे, 38,500 लिखूंगा डिटेल। मैंने किसी का शेयर फोर फीचर नहीं किया तो यहां पे फोर फीचर में 4 अगर है फेलियर, चारों का डिटेल आ जाएगा। यानी अलग अलग करके लिख लो या इकट्ठा लिख लो, वो आपकी इच्छा है। मैं अगर इकट्ठा लिखूं तो टोटल 1500 में डिटेल में अगर मैं लिखता हूं, इसके कितने आ गए होंगे, जितने आ गए होंगे वो डिटेल लिखो यहां, 200। इसके मैं अलग अलग कर लेता हूं, इसके आगे होंगे 200 प्लस में 1400 प्लस में 8 और प्लस में 500 इंटू में 4000। अब मैंने यहां पे प्रीमियम बताया नहीं, प्रीमियम यहां पे 1 रुपए, ठीक है, लास्ट कॉल पे प्रीमियम रख रखा है। तो 4000 ये आ गया। अब इसको टोटल कर देंगे, 1400, 4000, 54, 56 और 5600, 10000, 11000, 200। तो ये आ जाएगा, यहां पे अब कुछ नहीं लिखना एट द रेट में, टोटल अमाउंट यही दिखा दो। नहीं तो आप बहुत डिटेल में दिखाना चाहते हो तो राम का फिर ऐसे कैलकुलेशन दिखाओ, मोहन का, सोहन का, इस तरीके से दिखा सकते हो। अब मेरे क्वेश्चन में मान लो थोड़ा सा फिर चेंजेस कर रहा हूं, बताना आप क्या होने वाला है। मैंने चेंजेस ये करा, इसके शेयर फोर फीचर कर लिए, मैंने इसके शेयर फोर फीचर कर लिए राम के, यानी अब इस ये वाला डिटेल यहां नहीं आने वाला, ये डिटेल आ जाएगा और यहां पे टोटल आ जाएगा हमारा, जो नंबर ऑफ शेयर रहेगा वो रहेगा हमारा और 11,000 अभी आपने बताया तो 11,000, यानी इसको अगर मैं हटा देता हूं तो 11,000 बचेगा। सपोज करो फिर से एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका शेयर फी फोर फीचर करने वाला हूं मैं। अब यहां पे डिटेल में कितना लिखेंगे हम, इसका भी फोर फीचर हो गया, इसका भी फोर फीचर, हटाओ 5 और 2 700 में। एक तो इसका भी शेयर हटा देता हूं मैं, 56, यानी अब शेयर फोर फीचर में दोनों का डिटेल, शेयर फोर फीचर में क्या आ जाएगा हमारा टोटल, पहले वाले का 200 और प्लस 5,000, जो भी टोटल आएगा आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फिर और वेरिएशन अगर इसमें डालूं, वेरिएशन ये है कि मैंने सोहन का शेयर रीइशू कर दिया, ध्यान से सुनना, इसके शेयर को रीइशू भी कर दिया, मैटर नहीं है कितने का करा। अगर आपको लगता है कि ये भी बता दो तो मैंने ये लो 9 रुपए बता दिया, सोहन का शेयर मैंने रीइशू कर दिया है, जब रीइशू होगा तो दो हेडिंग इंपैक्ट होने वाला है, एक फोर फीचर इंपैक्ट होगा और एक इशू। तो अब जो मैंने सोहन का कर दिया है, सोहन का यहां डिटेल आएगा ही नहीं, सिर्फ आएगा यहां पे 200। अब सोहन क्या होगा, यहां जुड़ जाएगा आके,
38,500 की जगह पे ये आ जाएगा 39,200, क्योंकि टोटल देखो आप, टोटल शेयर फोर फीचर कितने थे हमारे, 1500 री, मतलब फेलियर 1500, 1500 में से 700 रीइशू हो गया, यानी 800 ऐसे हैं जो कि फेलियर हो सकते हैं या जिसमें से फोर फीचर हुआ है, रीइशू बट नहीं हुआ। तो देखो यहां पे कितने आएंगे, 800 शेयर कम आएगा, यानी उस वो शेयर यहां पे नहीं आ सकता जो कि फेल हुआ है या फिर फेल होके फोर फीचर हो गया है। अगर कोई शेयर होल्डर फेल हुआ है, फेल होके फोर फीचर करके रीइशू भी हो गया, तो यहीं पे आ जाएगा वो दोबारा, यानी यहां पे 10, तो इसकी बात करूं तो मैं आ जाएगा 390, यहां पे 54। हाँ जी, रीइशू जो हुआ है फोर फीचर में कोई काम नहीं है। अब सपोज करो मैं अगर बोलू कि मैंने इसमें से जो इसका शेयर था, इसमें से 50 शेयर, इसमें से 50 शेयर रीइशू किए हैं, इसमें से कितने शेयर रीइशू करें, ओनली 50। अब यहां पे जो होगा ये 39,200 में 50 और ऐड हो जाएगा, ये देखो, और यहां पे भी 50, यानी ये आ गया। अब ये जो फोर फीचर वाला, ये इंपैक्ट होने वाला है, ये मैंने पहले 100 से लिखा था, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये रह जाएगा 100। यानी देखा जाए टोटल, तो सिंपल सा लॉजिक है, जब रीइशू होता है तो फोर फीचर में उसका अमाउंट नहीं आता, वो कहां चले जाता है, इशूड फुल्ली पेड। अगर शेयर फोर फीचर ही नहीं हुआ तो डिटेल यहां, अगर शेयर सिर्फ फोर फीचर हो गया तो डिटेल यहां, यहां नहीं आएगा, फिर यहां आएगा, लेकिन फोर फीचर होने के बाद रीइशू हो गया तो ये दोनों छोड़ दो, आप ऊपर चला जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। प्रीमियम पे भी मैंने इशू करके दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रीमियम का, ओवर सब्सक्राइब का भी कॉन्सेप्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट होगा तो इशूड में तो पूरा होगा, सारा काम अंडर सब्सक्राइब के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब जो भी टोटल आता है, सपोज करो 392,500 और प्लस में 5,400 और 100 कितना आ गया, ये टोटल करो फटाफट से एक बार, 5,500 और 398, और 398 यहां आ गया। अब देखो मेरे से कई बार, अगर मैं लॉजिकली थोड़ा बहुत, अब मैं आगे चल रहा हूं, लॉजिकली अगर पूछा जाए सर ये 4 लाख में से 390 है, बाकी कहां गए, देखो कैपिटल रिजर्व भी तो बना होगा रीइशू के टाइम पे, कैपिटल रिजर्व बना होगा 200 रुपए का, जब कैपिटल रिजर्व हमारा 200 रुपए का, सॉरी 2,000 रुपए का, अगर 2,000 का कैपिटल रिजर्व बना होगा, कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट होता है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस में आके पूरा टोटल 4 लाख आ जाएगा ये। लेकिन आपको रिजर्व एंड सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट अभी करना ही नहीं है, जब आगे देखेंगे क्वेश्चन, जैसे जैसे जाएंगे आगे हम उसके हिसाब से करते जाएंगे, तो अभी देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, सिर्फ कैपिटल रिजर्व नहीं बताया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी कुछ बच्चा पूछ सकता है, सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं जाएगा, जाएगा, मैंने अभी नोट लिखवाया ना आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम किसके अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, वहां से हटके यहां आ जाएगा। कैश बुक भी बना रखा है, तो कैश बुक कहां लिखेंगे, कैश बुक यहां लिखेंगे करंट एसेट्स के नीचे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे, मैं लिख देता हूं, इसके अंदर ए पार्ट, और यहां आ जाएगा हमारा बैंक का बिल, रीशू, हाँ वो 10 सही होगा। अब देखो एक डाउट ये भी आया, सर रीशू अगर 9 रुपए से करते हैं तो रीशू वाला शेयर जो हम जोड़ रहे हैं क्या वहां 10 से ही जुड़ेगा, बिल्कुल, अगर रीशू आप 6 में करते हो तब भी यहां पे 10 से जुड़ेगा, रीइशू अगर 5 में करते हो तब भी 10 में, रीइशू अगर 15 में करते हो तब भी 10 ही जुड़ेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि, क्योंकि फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, कैपिटल तो पूरा देंगे हम, कैपिटल बना रहे हैं ना ये,
हमें ये नहीं कर रहे कि लॉस कितना हुआ, हम ये नहीं सीख रहे कि बैंक में कितना पैसा हुआ, हम ये देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल कितने का है। अब ये फटाफट नोट करिए, इसके अंदर जो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है इसी एग्जाम्पल को नोट करो, फिर एक आध बुक का क्वेश्चन देखेंगे।